नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पूर्वी भाग की स्थिति ऐसी रहेगी। इसके अलावा दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार एक टर्फ लाइन राजस्थान से नागालैंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल जा रही है। एक टर्फ लाइन उत्तर पूर्वी बिहार से दक्षिण उड़ीसा तथा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इन दोनों मौसमी कारकों के प्रभाव से सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार में अनेक जगहों पर वर्षा एवं कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। प्रदेश में बारिश को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया में भी कई जगहों पर बारिश होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि एक दो स्थानों पर भारी बारिश के हालात बन सकते हैं। दक्षिण मध्य में पटना, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया व दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों जैसे कि बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अब तक 422 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 100% से भी अधिक है। इधर रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में रविवार को औसतन कम बारिश दर्ज की गई है। देखा गया है कि पिछले तीन दिनों से मध्य दक्षिण बिहार में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं अगर हम बात देश के कुछ अन्य राज्यों की कर लें तो सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में भारी बारिश में के साथ ही हल्की और मध्यम बारिश के अनुमान लगाया गया है। झारखंड के सभी जिलों में 7 जुलाई तक के लिए हल्के और मध्यम बारिश की बात कही गई है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी बात कही गई है। 7 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई के बाद से यूपी में झमाझम बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया है। इसी बीच प्रदेश में कई जगहों पर छिटपुट बारिश की भी संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छिटपुट बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई से पहले क्षेत्र में मानसून में किसी भी प्रगति से इनकार किया है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून का आना अभी भी बाकी है। तो ये थे बिहार को लेकर, मानसून को लेकर जो है जानकारी बिहार मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। साथ ही साथ देश के भी कई अन्य ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मानसून सक्रिय है और वहाँ बारिश शुरू हो गई है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब के कुछ इलाके, इन इलाकों पे अभी जो है मानसून सक्रिय होना बाकी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।